हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कपिल कादेन, योर साइंस गुरुजी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे क्लास टेंथ साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज का चैप्टर रहने वाला हमारा फिजिक्स की तरफ से चैप्टर लाइट। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करते हैं बच्चों। इस चैप्टर के अंदर काफी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस प्लस इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करेंगे अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, जैसा कि हमने एक सीरीज लॉन्च की थी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर माय बोर्ड एग्जाम्स, तो सभी की वीडियोस मैं वन बाय वन अपलोड कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो केमिस्ट्री के ऑलरेडी मैं सभी चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। तो जिन बच्चों ने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा तो वो वीडियोज को जरूर देखिए, क्योंकि इन वीडियोज के अंदर बच्चों मैंने एनसीईआरटी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सबको बिल्कुल एक तरीके से डाला है। तो उन सभी वीडियोस को देखना है आप सभी स्टूडेंट ने, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर लाइट। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आज का, कि स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ए मीडियम एंड राइट द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू इट्स द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है स्नेल्स लॉ। अब ये बच्चों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रेस आर लाइज इन द सेम प्लेन फॉर द टू गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम। दिस इज द फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। तो इस केस में क्या करोगे आप, कि जो इंसिडेंट रे होती है आपकी एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वे एक पॉइंट पर जाके मिल जाती है, एंड द रिफ्लेक्टेड रेज और लाइज इन दिस सेम प्लेन, वो सभी लाइज करती हैं किसके अंदर, एक सेम प्लेन के अंदर। सो दिस इज द टू ट्रांसपेरेंट गिवन मीडियम, वो आपके टू ट्रांसपेरेंट गिवन मीडियम्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में, कि द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रेशियो है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम साइन आई से डिनोट करते हैं, एंड साइन एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन, दिस इज डिनोटेड बाई साइन आर एंड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो ये क्या होता है बच्चों, आपका कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट मीन्स लाइक कैसे, कि साइन एंगल अपॉन साइन आर, मतलब इंसिडेंस अपॉन जो आपका रिफ्रैक्टेड है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मीडियम मीन्स लाइक इज ए टू रिस्पेक्ट टू वन। तो यहां पर मैंने लिखा है कि द कॉन्स्टेंट एन टू वन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन टू वन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ऑफ ए सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब जो सेकेंड मीडियम है वो विद रिस्पेक्ट टू किसके है बच्चों, फर्स्ट के है। अब ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए मैं आपको करके दिखाता हूं इस केस के अंदर। तो सबसे पहले देखिए कि जो आपने इसका डायग्राम बनाना है वो डायग्राम के हिसाब से होपफुली आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आपने कोई भी ग्लास स्लैब ले ली, तो ग्लास स्लैब आपकी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होती है। अब जैसे ही कोई इसके ऊपर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पड़ती है, ये कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है, तो यहां पर आपका एयर मीडियम प्रेजेंट करेगा और दिस मीडियम इज ए ग्लास मीडियम, इसको आप क्या बोलोगे, ग्लास मीडियम। उसके बाद फिर वंस अगेन यहां पर आप जब ये लाइट ट्रेवल करेगी एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर के अंदर, तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, एयर मीडियम मिलेगा। अब इस केस में यदि मैं ले लूं तो ये हमारे इंसिडेंट रे है, और ये डॉटेड लाइंस मैंने किससे रिप्रेजेंट कर ली बच्चों, आपके नॉर्मल रे से रिप्रेजेंट कर लिया इसको, ठीक है ना, नॉर्मल रे बोलेंगे इसको हम, एंड दिस इज द इंसिडेंट रे, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो डायग्राम को अच्छे तरीके से समझिए तभी आपको क्लियर हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसको हम स्नेल्स लॉ कहेंगे। अब जैसे ये ट्रेवल करती है, बेसिकली इसको सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए था, पर ये क्या हो जाती है, अपने पाथ से बेंट हो जाती है, थोड़ा सा ऐसी हो जाती है। अब जैसे ऐसे बेंट होती है, इट इज कॉल्ड इज द एंगल, ये यहां पर क्या बनाएगी, एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन एंगल बना दिया, और जो ये एंगल बने था दिस इज कॉल्ड इज ए एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसके बीच में बना बच्चों, ये नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल इंसिडेंट बना, और जो एंगल बना आपका किसके बीच में, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्शन के बीच में, तो इसको आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन। जैसे ही लाइट ट्रेवल करेगी इस मीडियम के अंदर से, फिर ये क्या होगी, द्वारा वंस अगेन
गिलास से एयर के अंदर एंटर करेगी, इट मींस क्या हो जाएगी, फिर वंस अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपका क्या बन गया, नॉर्मल बन गया इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आप इसको डिनोट करोगे एंगल आर से, और जो ये एंगल आपका बना इसको आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ ए इमर्जेंट। क्लियर हो गया। अब इस ये क्या है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब इंसिडेंट एंगल जो साइन आई है हमारा अपॉन साइन आर, वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है किसी भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसको हम डिनोट कर देंगे साइन आई इज अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट कर दो, या फिर इसको आप एन से डिनोट कर दीजिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या था, यहाँ पर जो इंसिडेंट रे आई आपकी, नॉर्मल रे आपकी डिनोटेड है एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पर आके मिल गई, एंड द रिफ्रैक्टेड रेज और लाइज इन द सेम प्लेन, ये लाइज करती है सेम प्लेन के अंदर ऑफ ए टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो आपको गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम दिए होते हैं। उसके बाद रेशियो ऑफ ए साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज क्या होंगे बच्चों, कॉन्स्टेंट होंगे। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, एंड सेकेंडली दिस इज कॉल्ड जस्ट स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जो हमारा सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन के अकॉर्डिंग होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो बच्चों देखिए आप, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के रूप में बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, किसके रिस्पेक्ट होगा, वो वैक्यूम या एयर के होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज कंसिडर्ड टू बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसको हम क्या मानेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन टू, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एन टू से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज ऑल्सो इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम, जो किसके इक्वल होगा, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के अंदर एंड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एन टू का मतलब क्या है आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इज इक्वल टू किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और ए वैक्यूम, इसको हम डिनोट करते हैं सी से, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इसको हम डिनोट करेंगे वी से, तो इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपका, सी अपॉन वी। अब इसको हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं एन एम, कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अब सी क्या हो गया आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के अंदर हो गया या फिर वैक्यूम के अंदर हो गया, और वी क्या हो गया आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम की बात करेंगे। क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड इज ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप दोनों ने अभी यहां पर क्या किया बच्चों, सभी ने सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस के बारे में बात की, उसके बाद हमने किसके बारे में बात की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना आप सभी स्टूडेंट्स ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो आपने इसकी क्या लिखनी है, एसआई यूनिट को भी डिनोट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में, कि द एबिलिटी ऑफ ए लेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, जो कन्वर्ज भी करे और डाइवर्ज भी करे कि इसको रे ऑफ लाइट को, आफ्टर कब, रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है ना। तो इस कॉल्ड इज ए पावर ऑफ लेंस, उसको आप किससे डिनोट करोगे, पावर ऑफ लेंस, और पावर ऑफ लेंस को डिनोट करते हैं आप पी से। अब इस केस में, और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है बच्चों मैंने क्या लिखी है, इट इज द, ये नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी, इससे भी डिनोट कर सकते हैं आप, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ये रेसिप्रोकल होता है किसके, फोकल लेंथ के। तो P is equal to 1 by F, इसको मैंने डिनोट कर दिया, reciprocal of a focal length is called as a power of lens, या फिर आप यहां से लिख सकते हैं कि the ability of converging or diverging, converge का मतलब इकट्ठा करना, diverge का मतलब उसको फैलाना, ठीक है ना। द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, जब उससे टकरा जाती है, टकराने के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद, उसको आप क्या बोलोगे, पावर ऑफ लेंस से डिनोट करोगे। अब इसकी बात रही बच्चों कि वट इज द एसआई यूनिट ऑफ ए पावर ऑफ लेंस, तो ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी डायोप्टर होती है, डायोप्टर को डिनोट करते हैं आप डी से। अब इस केस में मैंने यहां पर इसको किस में लेके चला हूं, मीटर के अंदर, तो पावर ऑफ लेंस है हमारी, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं यहां पर मीटर के अंदर। उसके बाद ए लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ इन 100 सेंटीमीटर, यदि फोकल लेंथ उसकी क्या है बच्चों, 100 सेंटीमीटर है, कि हैज द पावर ऑफ द डायोप्टर, वन डायोप्टर की पावर क्या हो जाएगी, उसके इसमें रिवर्स हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको, जैसे P इज इक्वल टू 1 by F है, तो इसमें मैंने किसमें डिनोट कर दिया, इसको मीटर के अंदर। यदि मैं कर देता हूं इसको
उसके अंदर सेंटीमीटर के अंदर, तो क्या लिखोगे आप, P इज इक्वल टू 100 बाय F, तो ये इसमें किसमें डिनोट करोगे आप इसको, सेंटीमीटर के अंदर। तो ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आता है कि पावर क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं यहीं पर गलती कर जाते हैं। यदि मीटर में है तो 1 बाय एफ होगा, यदि सेंटीमीटर में है तो 100 बाय एफ से डिनोट करोगे। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। और रही बात किसकी, इसकी एसआई यूनिट की, पी इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय एफ, और जो फोकल लेंथ होती है उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, तो किससे डिनोट करोगे, 1 बाय मीटर से डिनोट करोगे, और जो मीटर है ऊपर चला जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, इसको हम वैसे ले लेते हैं 1। तो ऐसा यूनिट क्या बन गई, पावर ऑफ लेंस की 1 मीटर बन गई, 1 बाय मीटर, इट मींस इज ए मीटर इनवर्स। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू मीन बाय पावर ऑफ लेंस क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, क्लियर हो गया ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। आपने कोई 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि प्लेन मिरर की आपने जो इमेज बनती है उसके कोई 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, किस टाइप की इमेज बनती है, क्या फॉर्मेशन आती है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि द इमेज इज ऑलवेज, प्लेन मिरर के अंदर क्या बनेगी, इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि इस केस में जो इमेज बनती है आपकी वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी। सेकंड पॉइंट, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज किसका होगा, इमेज का होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, द इमेज इज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मीन्स बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कहां पर होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, और जो इमेज बनेगी बच्चों वो कहां पर बनेगी, बिहाइंड ऑफ द मिरर बनेगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड मींस क्या होता है बच्चों, इसको भी समझ लीजिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड द इमेज फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। यदि आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा तो इमेज राइट में बनेगी, यदि ऑब्जेक्ट को आपने राइट में रखा तो इमेज कहां पर बनेगी, लेफ्ट में बनेगी। सो दिस इज कॉल्ड इज द laterally inverted, उसको आप laterally inverted कहेंगे। उसके बाद next question है बच्चों हमारा कि write the two different uses of a concave mirror, concave mirror के दो कोई uses बताइए। First of all, in a solar furnace, कहां पर use करते हैं इसको, solar furnace के रूप में use किया जाता है। And secondly, इसको use करते हैं in a saving mirror के रूप में। So this is the use of a concave mirror, ये concave mirror के हमारे दो uses हैं, ये भी काफी important रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट टू पोजीशन इन विच ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट, लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द टू इमेजेस। तो क्वेश्चंस को पहले अंडरस्टैंड कीजिए अच्छे तरीके से कि आपने क्या बताना है, कि स्टेट टू पोजिशन इन विच ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड इमेज इन ए गिवन ऑब्जेक्ट, की कैसे वो मैग्नीफाइड इमेज की फॉर्मेशन देता है। उसके बाद कोई दो डिफरेंसेस बताने हैं इमेज के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द टू पोजीशन इन विच द कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड इमेज इन ए गिवन ऑब्जेक्ट, कि वो लार्ज इमेज कब प्रोड्यूस करेगा, मैग्नीफाइड मींस लार्ज इमेज। तो इस केस में क्या करोगे आप, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो ऑब्जेक्ट रखना है आपने किसके बीच में रखोगे बच्चों, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। आपने डायग्राम नहीं बनाना है, यहां पर सिर्फ बताना है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करोगे, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस करोगे, एंड सेकेंडली फोकस एंड पोल के बीच में। तो इमेज आपकी क्या बनेगी यहाँ पर, कॉनकेव मिरर के अंदर मैग्नीफाइड इमेज की फॉर्मेशन होगी, यदि आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं इन बिटवीन ए फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एंड फोकस एंड पोल के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर कि टू डिफरेंसेस बिटवीन, दो डिफरेंस बताने हैं कि द टू इमेज आर दैट इमेज फॉर्म इन केसेस। तो इस केस में जो इमेज बनती है आपकी, तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन होती है, एंड सेकेंड इज ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इसको अच्छी तरीके से आपने करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन ए व्हीकल्स, कि कन्वेक्स मिरर को क्यों यूज प्रेफर करते हैं व्हीकल्स के अंदर रियर व्यू देखने के लिए, क्या रीजन है। बेसिकली हम कॉन्वेक्स को ही क्यों यूज करते हैं, कॉनकेव को क्यों यूज नहीं करते, उसका क्या रीजन रहेगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, द फील्ड ऑफ ए व्यू
एज ए कॉन्वेक्स मिरर इज वाइडर देन दैट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, जो इसके अंदर व्यू दिखता है, जो बैक साइड का व्यू दिखता है वो वाइडर दिखता है, क्लियर हो गया, इन कंपेरिजन ऑफ ए कॉनकेव मिरर, सो वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन दी व्हीकल, सो दैट्स वाई हम इसका यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर का रियर व्यू देखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्स बिटवीन द प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर बाय मर्ली लुकिंग एट द इमेज फॉर्म इन ईच केसेस, तो आपने कंपेरिजन करके दिखाना है प्लेन मिरर का, कॉनकेव मिरर का एंड कन्वेक्स मिरर का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर प्लेन मिरर के बारे में कि इफ द इमेज इज सेम साइज, जो इमेज बनेगी इसके अंदर प्लेन मिरर के अंदर वो सेम साइज बनेगी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट बनेगी, तो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड इज ए प्लेन मिरर, ये क्या हो गया हमारा प्लेन मिरर हो गया। सेकंड है, इफ द इमेज इज बिगर इन साइज, यदि इमेज क्या बनती है बिगर इन साइज में बनती है एंड इरेक्ट होगी, इरेक्ट मीन्स लाइक इज ए सीधी होगी, इट इज कॉल्ड इज ए कॉनकेव मिरर, तो उसको आप क्या बोलोगे कॉनकेव मिरर। उसके बाद इफ इमेज इज स्मॉलर इन साइज, यदि इमेज स्मॉल बनती है एज कंपेयर टू ओपे ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट होगी, दिस इज कॉल्ड इज ए कन्वेक्स मिरर, तो उसको आप क्या बोलोगे बच्चों कन्वेक्स मिरर बोलोगे। तो ये तीनों की क्या है पहचान है, प्लेन मिरर की भी, कॉनकेव मिरर की भी एंड कन्वेक्स मिरर की भी, तो तीनों में ये आपने कंपेरिजन करके देखना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है एंड डिस्क्राइब द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और आपने डिस्क्राइब करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके बारे में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, कि द फिनोमिना बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रेज, कि वो फिनोमिना जो लाइट रेज को बाउंसिंग बैक वाला फिनोमिना जो होता है कि क्या लिखोगे कि द फिनोमिना पे बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रेज इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम के अंदर क्या हो जाती है बाउंस बैक हो जाती है ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस, जब वो टकराती है किससे बच्चों स्मूथ सरफेस से, दिस इज कॉल्ड एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आपको समझाता हूँ, बड़े तरीके से देखना इसको कि ये आपका कोई भी स्मूथ सरफेस है, इसको मैंने पॉलिश कर दिया यहाँ पर, या इसको आप स्मूथ सरफेस कह सकते हैं, कि जैसे कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इससे टकराती है, टकराने के बाद बाउंसिंग बैक हो जाती है इन सेम मीडियम के अंदर, सेम ही मीडियम के अंदर, अब ये रे ऑफ लाइट आई और ये क्या हो गई यहाँ पर टकराने के बाद बाउंसिंग बैक हो गई। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इज ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको आप क्या बोलोगे बच्चों पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस, क्लियर हो गया, एंड दिस सरफेस इज ए स्मूथ सरफेस, इसको आप क्या बोलोगे स्मूथ सरफेस। अब जो ये रे ऑफ लाइट आपकी आई थी इसको आप क्या कहोगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, जो टकराई किससे ये स्मूथ सरफेस से, और जो ये रिफ्लेक्ट हो गई टकराने के बाद बाउंसिंग बैक हो गई, दिस इज कॉल्ड इज ए रिफ्लेक्टेड लाइट, इसको हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे कह लीजिए। अब जो नॉर्मल रे होती है वो क्या होती है, इसके यहां पर दे आपको डॉटेड लाइंस में मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये नॉर्मल रे है इसके जो सीधी परपेंडिकुलर हो जाती है किसके स्मूथ सरफेस के। अब ये जो एंगल बना आपका, एंगल किसके बीच में बना, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, दिस इज कॉल्ड इज ए नॉर्मल रे, ये आपकी नॉर्मल रे हो गई। अब द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, दिस इज कॉल्ड इज ए एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करोगे, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड इज द एंगल ऑफ ए आर, इसको आप एंगल आर से रिफ्लेक्ट करोगे, मीन्स लाइक इज ए एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन, इसको आप रिफ्लेक्शन कहोगे। तो ये था इसका डायग्राम, आपको होपफुली समझ में आ चुका होगा। तो यहां पर देखिए कि द फिनोमिना बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रेज ऑन ए सेम मीडियम के अंदर स्ट्राइकिंग, जब वो टकराई किससे स्मूथ सरफेस से एंड बाउंस बैक हो गई, क्लियर हो गया। उसके बाद इसके फिनोमिना के लॉ हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल आई बना आपका बच्चों इज ऑलवेज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन के। तो क्या लिखोगे उस केस में आप, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज द फर्स्ट लॉ, ये क्या बन गया आपका फर्स्ट लॉ बन गया। सेकेंडली क्या कह रहा है ये कि द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रेज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाइज इन द सेम प्लेन, जब वो एक पॉइंट पर टकराती है कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज, वो क्या करेंगे बच्चों लाइज करेंगे किसके अंदर सेम प्लेन के अंदर। तो ये पॉइंट क्या था हमारा, दिस इज कॉल्ड इज ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जब यहां पर कोई दो लाइट रेज टकराती है, और थर्ड इसके अंदर नॉर्मल राइज जो आप लेके आते हैं।
तो काफी इंपॉर्टेंट है लॉ, ये जो हमारा लॉ है रिफ्लेक्शन वाला, इसको बड़े ध्यान से आप सभी स्टूडेंट्स ने करना है। इसके दो लॉ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, की क्या डिफरेंस है रियल इमेज के अंदर और वर्चुअल इमेज के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल इमेज की, कि इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक्चुअली कि जो लाइट रेज है किसी भी पॉइंट से आ रही है, कि मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो मीट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, देन द इमेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड इज ए रियल इमेज, उसको हम क्या बोलेंगे रियल इमेज। और जो रियल इमेज है वो हमेशा स्क्रीन पे बनती है, और जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं बनती। तो सेकेंड पॉइंट की बात कर देता हूं मैं वर्चुअल इमेज की, कि इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, की एक लाइट रेज आ रही है किसी भी पॉइंट से या पॉइंट ऑफ सोर्स से, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट, एक्चुअली वो मिलेगी नहीं, बट क्या होगी, बट अपीयर टू मीट अनदर पॉइंट, बट हमें महसूस होगा कि अपीयर टू मीट इन द अनदर पॉइंट, दिस इमेज इज कॉल्ड इज ए वर्चुअल इमेज। और जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पे कभी नहीं बनती, और जो रियल इमेज है वो स्क्रीन पे फॉर्म्ड होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रियल इमेज का और वर्चुअल इमेज का, तो इसको भी अच्छी तरह से आपने करना है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड, और ये कर्व है इनवर्ड और आउटवर्ड, देन द मिरर इज सेड टू बी ए स्फेरिकल मिरर। तो दोबारा देख लीजिए, कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किसी भी मिरर का इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, जो कर्व होता है अंदर की तरफ से या फिर बाहर की तरफ से, दिस मिरर इज कॉल्ड इज ए स्फेरिकल मिरर, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। अब बेसिकली यदि मैं बात कर दूं, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज ए कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड इज ए कन्वेक्स मिरर। आप सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, कि द स्फेरिकल मिरर विच इनवर्ड कर्व, जो ये अंदर से कर्व होता है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब जो कॉनकेव मिरर आउटसाइड पॉलिश्ड होगा और सेकेंडली क्या होगा इनवर्ड कर्व होगा, ये कहां से, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कोई रे ऑफ लाइट आती है किसी भी सोर्स से, जो इसकी रे ऑफ लाइट इससे टकराएगी रिफ्लेक्टिंग होगी वो कहां पर होगी इनवर्ड अंदर की तरफ होगी। अब इसका देखिए ध्यान से, ये मैंने क्या लिया आपका एक मिरर ले लिया, बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक स्फेयर की तरह होता है, जैसे ही हम इसके अंदर से कट कर देते हैं, ये मैंने कट कर दिया बीच में से, अब इस पॉइंट का ये पॉइंट है इन सब का, दिस इज कॉल्ड इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब बेसिकली जो ये मैंने ले लिया ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट, जो बी पॉइंट होगा हमारा वो कॉनकेव मिरर होगा, इसको हम कॉनकेव बोलेंगे, और जो हमारा ए पॉइंट होगा बच्चों वो कौन सा होगा हमारा कन्वेक्स मिरर होगा। अब जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है इसका इनवर्ड अंदर की तरफ है कॉनकेव मिरर का, और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पर है बाहर की तरफ, और जो ये पॉलिश्ड होता है कॉनकेव मिरर वो कहां से पॉलिश्ड होगा, ये बाहर की तरफ से आउटवर्ड पॉलिश्ड होगा, और ये बेसिकली कहां से पॉलिश्ड होगा बच्चों हमारा कॉन्वेक्स है जो इनवर्ड पॉलिश्ड होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको हम क्या बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया। तो इसको बड़े ध्यान से करना है आप सभी ने, क्योंकि इसकी इमेज फॉर्मेशन भी कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम्स के अंदर। अब यहाँ पर मैंने डिनोट किया है इसको, अब जो इसका सेंटर पॉइंट होता है कॉनकेव मिरर का, दिस इज कॉल्ड इज ए पोल, उसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेंटर पॉइंट ऑफ द एनी स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इज ए पोल। अब उसके बाद ये क्या है हमारी, दिस इज कॉल्ड इज ए प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर से पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो सेंटर है हमारा उसको हम क्या बोलेंगे, किससे डिनोट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जो हाफ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का दिस इज कॉल्ड इज ए फोकस, उसको आप क्या बोलोगे प्रिंसिपल फोकस। अब जो डिस्टेंस बिटवीन पोल, जो डिस्टेंस है किसके बीच में पोल और फोकस के बीच में, इट इज डिनोटेड बाय एफ, इसको हम एफ से डिनोट करेंगे, एफ मींस क्या होगा आपका फोकल लेंथ, यहां पर मैंने इसको डिनोट कर दिया, इसको आप क्या बोलोगे बच्चों फोकल लेंथ कहोगे। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको आप डिनोट करोगे, यहां पर राइट डाउन कर देता हूं मैं, किसे डिनोट करोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आप क्या बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से इसको डिनोट करोगे। अब बेसिकली यदि मैं कह दूं यहां पर जो हमारी फोकस है वो किसके बीच में डिस्टेंस है पोल और फोकस के बीच में, इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे, और जो हमारा डिस्टेंस है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको हम क्या बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक चीज और देख लीजिए, जो कॉनकेव मिरर होता है हमारा इसको हम क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर
जेंट मिरर, इसको हम कन्वर्जेंट मिरर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई? कि कोई भी लाइट रेज आती है जब आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पर मीट हो जाती है, कन्वर्जेंट कर देता है, एक पॉइंट पर इकट्ठी कर देता है, तो इट मीन्स इज ए इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, कि द स्फेरिकल मिरर विद आउटवर्ड कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर की तरफ होगा, जो लाइट रेज है उससे टकराने के बाद कहां पर होगी? वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं बच्चों, जो हमारा कन्वेक्स मिरर है इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मिरर, कि जो लाइट रेज आती है इसको क्या कर देता है? फैला देता है। क्लियर हो गया? अब इस केस में भी आप देखिए, इसका भी क्या है बच्चों, ये पोल है, दिस इज कॉल्ड एज ए फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल एक्सिस पासिव फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। एंड ये क्या है हमारा? अपर्चर है, दिस इज द अपर्चर, जो डिस्टेंस होता है किसी भी दो एंड के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपर्चर मीन्स लाइक इज ए डायमीटर। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। इसकी आपने इमेज फॉर्मेशन करनी है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो इमेज फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ ली जाती है। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला क्या होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है और काफी इजी क्वेश्चन भी है कि मिरर फार्मूला क्या होता है बच्चों। द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज यू वी एंड एफ, कि जो रिलेशन है किस किस के बीच में है, यू और वी और एफ के बीच में। अब मैं आपको बता देता हूं यू क्या होता है, दिस इज कॉल्ड इज ए, इसको हम यू को किसे डिनोट करेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद यदि बात करते हैं V की, तो V क्या होता है आपका? इमेज डिस्टेंस, ये आपका इमेज डिस्टेंस होगा, और ये कहां से होगा? पोल से लेके, ठीक है ना, पोल से और जो इमेज के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम V से डिनोट करेंगे। अब रही बात आपकी F क्या होती है बच्चों, यहाँ पर फोकल लेंथ, और जो फोकल लेंथ होगी ये डिस्टेंस किससे किसके बीच में होगा? ये पोल और फोकस के बीच में होगा, और ये कहां पर होगा? इमेज के बीच में और प्लस इमेज से लेकर और किसके बीच में होगा? ये हमारा पोल के बीच में, और यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट से लेकर जो डिस्टेंस होगा पोल तक, ठीक है ना, इसको हम यू से डिनोट करेंगे, वी को इमेज डिस्टेंस से डिनोट करेंगे, एफ को किससे डिनोट करेंगे? फोकल लेंथ से डिनोट करेंगे। अब रहे इसका फार्मूले की बात, तो फार्मूला क्या होता है मिरर फार्मूला? 1/v + 1/u = 1/f। v क्या हो गया आपका? इमेज डिस्टेंस हो गया। u क्या हो गया आपका बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। f क्या हो गई आपकी? फोकल लेंथ हो गई। अब इसके अंदर मैंने एक चीज और डिनोट कर दी कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, की मैग्निफिकेशन क्या होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर के अंदर। तो क्या लिखोगे आप इसके डेफिनेशन? कि इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जिसको हम hi से डिनोट करते हैं, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम एच नॉट से डिनोट करते हैं। रही बात मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करेंगे? एम से डिनोट करेंगे, और ये माइनस में होगा स्फेरिकल मिरर के केस में। तो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू माइनस हाइट ऑफ इमेज एच आई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट से डिनोट करेंगे। उसके बाद मैग्निफिकेशन यदि हमने किसके बीच में निकालना है? इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में निकालना है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट मींस लाइक इज ए माइनस वी अपॉन यू हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। उसके बाद यदि नेगेटिव साइन होता है बच्चों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा आपके, कि नेगेटिव साइन तो इमेज क्या बनेगी आपकी? वहां पर रियल बनेगी और इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन होगी। यदि पॉजिटिव की बात करें तो उस केस में आपकी जो इमेज बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो ये था हमारा मिरर फार्मूला, और उसके बाद मैग्निफिकेशन, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अब मैं आपके लिए यहां पर करके दिखाऊंगा लेंस फार्मूला भी साथ साथ, कि लेंस फार्मूला क्या होता है। अब इसको भी हम सेम इसी से मिलता जुलता है, तो इसका डिफरेंस भी आपको बताता जाऊंगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे, तो आंसर सीधा कर देता हूं, ये भी वही रिलेशन है कि रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज यू वी एंड एफ के बीच में, इसके अंदर भी रिलेशन है, बट जो इसका फार्मूला होगा वो अपोजिट हो जाएगा, 1/v - 1/u = 1/f। सिर्फ क्या डिफरेंस रहेगा? माइनस का साइन आ जाएगा, 1/v - 1/u = 1/f। अब इस केस में आपका v क्या है? इमेज डिस्टेंस, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज द फोकल डिस्टेंस, ये आपकी फोकल लेंथ हो गई। उसके बाद मैग्निफिकेशन की भी बात करूंगा, यहां पर मैं मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है हमारी? हाइट ऑफ इमेज, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं हाइट ऑफ इमेज
इमेज को किससे डिनोट करोगे बच्चों? एच आई से डिनोट करोगे। अपॉन क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसको एच नोट से डिनोट कर दोगे तो एम इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? एच आई अपॉन एच नोट के बराबर आ गया। इसको आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लो, या फिर ऐसे नहीं करने की जरूरत तो सीधा ही रखो इसको, ठीक है ना। तो ऐसे लिख देता हूं द्वारा, एच आई अपॉन एच नोट। तो ये मैग्निफिकेशन आ गई किस केस के अंदर? लेंस के केस के अंदर। अब देखो कंपेरिजन करके देखो, जो हमारा मिरर वाला था उसके अंदर नेगेटिव साइन होता है, और जो लेंस वाला होगा वहां पर क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव साइन होगा। उसके बाद बात करेंगे यहीं पर किस केस में, इमेज से रिलेटेड। तो वी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर? यू हो जाएगा आपका। ये हो गया हमारा लेंस से रिलेटेड। उसके बाद इसके अंदर एक चीज हो रहा है, ये भी देख लीजिए आप साथ साथ, कि यदि बच्चों नेगेटिव साइन होता है लेंस के केस में, यहाँ पर देख लीजिए मैग्निफिकेशन में यदि नेगेटिव साइन शो करता है तो उस केस में क्या होगी, जो आपकी इमेज फॉर्मेशन बनेगी लेंस के केस में वो क्या बनेगी? आपकी वर्चुअल वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगी। यदि पॉजिटिव साइन हुआ तो लेंस के केस में, उस केस में आपकी जो इमेज बनेगी बच्चों वो कौन सी बनेगी? रियल इमेज बनेगी, ठीक है ना, रियल इमेज की फॉर्मेशन देगी। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है विद मैग्निफिकेशन के साथ, और आपको नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं बच्चों, और न्यूमेरिकल्स हर बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो सिंपल वे में मैंने आपको समझाया, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको कवरअप करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए स्फेरिकल मिरर इज -3। List for information you obtained from this statement about the mirror image. तो देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन आपको गिवन है जो प्रोड्यूस हो रही है किसी भी स्फेरिकल मिरर के द्वारा -3। अब आपने इसकी कोई भी चार इंफॉर्मेशन बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गिव मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए स्फेरिकल मिरर इज -3। तो आपको क्या मिली बच्चों यहाँ पर? -3 स्फेरिकल मिरर मिली। तो इसको हम डिनोट करेंगे एम इज इक्वल टू -3 से। अब जो आपको इमेज फॉर्मेशन होगी, तो इमेज फॉर्मेशन इस केस में क्या होगी? रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मैग्निफाइड होगी, एंड स्पेरिकल मिरर यूज इन ए कॉनकेव मिरर। तो कौन सा मिरर होगा वहां पर? आपका जो स्पेरिकल मिरर यूज करोगे वो कॉनकेव मिरर होगा। अब कॉनकेव मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बनती है रियल वास्तविक इमेज बनेगी, इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनेगी, और मैग्निफाइड मीन्स लार्ज इमेज बनेगी। क्लियर हो गया? तो उस केस में आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, ध्यान रखना इसको बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिस्ट आउट द फैक्टर ऑन विच ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड। कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा किसी भी मीडियम का, वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा बच्चों सबसे पहले नेचर ऑफ द मीडियम, भाई किस टाइप का मीडियम है, एयर मीडियम है, ग्लास मीडियम है, या वाटर मीडियम है। सेकेंडली द कलर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट, कि जो कलर होगा वेवलेंथ का जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसा होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? द कलर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि वेयर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर ऑफ लेंस इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ। जो मैग्नीट्यूड होगा पावर ऑफ लेंस का वो इक्वल कब होगा फोकल लेंथ के, कैसी होगा? तो इस केस में आप क्या लिखोगे कि व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज ए 1 मीटर। जो फोकल लेंथ होगी किसी भी लेंस की वो क्या होगी बच्चों? आपकी 1 मीटर होगी। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट आउट करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डायमंड इज 2.42। कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं पहले बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है, तो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपने याद करना कि क्या क्या होता है, वाटर का क्या होगा, कैरोसिन ऑयल का क्या होगा, डायमंड का क्या होगा। तो डायमंड वाला तो मैं यहीं पर करा रहा हूँ आपको, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डायमंड कितना है बच्चों? 2.42 है। कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग रहेगा? तो देखिए इस केस के अंदर कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द लाइट बेंड। लाइट क्या होगी? बेंड होगी जब दूसरे मीडियम्स के अंदर एंटर करेगी। कि व्हेन इट एंटर फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम, जैसे फर्स्ट मीडियम के अंदर लाइट एंटर करेगी, अब उसके बाद टू द गिवन मीडियम, तो उस केस में क्या होगी? जो आपकी लाइट है बच्चों वो बेंट हो जाएगी। कि द वैल्यू ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, स्टेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए डायमंड, तो वो क्या हो जाएगी? 1/1/2.42 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब कितने टाइम हो जाएगी?
स्पीड ऑफ लाइट और इन्हें वैक्यूम के अंदर जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों, 1/2.42 टाइम्स हो जाएगी। तो दोबारा फिर देखिए इस क्वेश्चन को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अनदर एक्सटेंट इन विच द लाइट बैंड फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम कि द वैल्यू ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो स्टेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए डायमंड, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी डायमंड के अंदर 1/2.42 टाइम्स टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। तो ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आएंगे, अभी दी बेस्ट क्वेश्चंस रहने वाला है कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेडलाइट ऑफ ए कार, हेडलाइट ऑफ कार के अंदर कौन सा मिरर यूज करते हैं बच्चों, कॉनकेव मिरर। क्यों करते हैं भाई, इसको हम कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं, इसकी पावर ऑफ बीम ऑफ लाइट्स क्या होती है काफी हाई होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं, ठीक है ना, कन्वर्जेंट मिरर जो लाइट रेज को क्या करता है कन्वर्ज करता है। उसके बाद साइड एंड रेयर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, अब इसको आप क्या बोलोगे कन्वेक्स मिरर, क्योंकि जो ये क्या करता है वाइडर करता है, तो इट मीन्स इसे इसको आप क्या बोल सकते हो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मिरर जो लाइट रेज को क्या करता है बच्चों फैलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर सोलर फर्नेस के अंदर, सोलर फर्नेस के अंदर भी कौन सा मिरर यूज करोगे आप, कॉनकेव मिरर यूज करोगे। तो बच्चों ये थे हमारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो हमने वो क्वेश्चंस किए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के भी हैं, आपके एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, और जो हमें दी बेस्ट लगे, तो ये सभी क्वेश्चंस आपने कवरअप करने हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जल्दी लेके आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। फिर इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, तो वो सब की हम बिल्कुल एक होपफुली अच्छी प्रिपरेशन करके जाएंगे अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड लक, जय हिंद जय भारत।